हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ विशाल भार्गव आज अपनी क्लास विद्युत क्षेत्र में। तो हमने कल चर्चा की आवेश के बारे में, आवेश के प्रकार देखे हमने, टाइप ऑफ चार्ज देखा एंड आवेश के गुणधर्मों के बारे में हमने बातें बताई। चार बातें थी, कुछ कौन कौन सी चार थी। पहली जो थी वो थी योज्यता का नियम, संरक्षण का नियम, क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण, और चौथा जो था वो निश्चरता, इनवेरियंस। चलो, हमने कल क्वांटीकरण देखा था, क्वांटाइजेशन, तो उसमें हमने फॉर्मूला देखा था क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई से, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू गुलाम में बताई थी कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना गुलाम होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम होगा। मैंने कल प्लस लिख दिया था तो आप माइनस कर लीजिएगा। इसी प्रकार अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में भी ये माइनस का होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम। मतलब प्रोटॉन में प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम होता है और इलेक्ट्रॉन में −1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम होता है। तो हमने एक क्वेश्चन देखा था कल, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या था, क्वेश्चन की आवेश जो दे रखा था आपको चार्ज, वो चार्ज आपको दिया था 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब इसको हमें कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस तो उसकी नेचर बताता है, प्रकृति बताती है हमें, नेचर से नहीं हमें वैल्यू से मतलब है, नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं हमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड से मतलब है, परिणाम से मतलब है। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹। अब ये जो है वो गुलाम में हो गया आवेश, और समय जो दे रखा था वो मैंने दे रखा था आपको 5 सेकेंड, और आपको पूछा था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू है 5 × 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन 5, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1.6 × 10⁻¹⁹ एम्पियर। चूंकि विद्युत धारा का मूल मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, तो यह जो फॉर्मूला है इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने जान लिया, एन की जो वैल्यू होती है वो 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से वैरी करती है, ना कि डेसिमल नहीं होगी इसकी वैल्यू, डेसिमल मतलब दशमलव पद्धति की नहीं होगी, ना ही रेशियो में होगी इसकी वैल्यू, रेशियो का मतलब अनुपात, 2/3, 3/4 ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने ये कल देखा, आज हम बात करेंगे आवेशन की प्रक्रिया, मतलब कोई भी वस्तु है उसको हम कैसे आवेशित करते हैं। अब ये जो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके माइंड में बेसिक कुछ एग्जांपल डालना चाहता हूँ। आपने बचपन में जरूर किया होगा कि एक गुब्बारा है, गुब्बारे को आपने फुलाया मुंह से, बड़ा जैसे ही हो जाता है उसको आप सर पे रब करते हैं, मतलब घिसते हैं अपने बालों पे, घिसने के बाद उसको आप दीवार पे ऐसे चिपकाएंगे तो वो गुब्बारा चिपक जाता है। तो इसके पीछे का बेसिक जो रीजन है वो यही है कि आपने उस गुब्बारे को पकड़ के अपने सर पे रब किया था, घर्षण किया था, घिसा था, जिसके कारण वह आवेशित हो गया, जो अनावेशित था वह आवेशित हो गया, जिसके कारण वह दीवार पे चिपक गया। या फिर आपने कभी महसूस किया होगा कि आपके घर में जो टेलीविजन है, टीवी है, उसके चालू होने के बाद आप देखते हैं कि जब आप उसकी स्क्रीन पर जाएंगे और अपने हाथ को उसकी स्क्रीन के पास लेके जाएंगे तो आपके हाथों के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो उसके पीछे भी कारण देखा जाए तो ये आवेशन ही कारण है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आवेशन के बारे में। तो आवेशन क्या होता है, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित पर करने की प्रक्रिया जो है वो है आवेशन, इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग। आपका मोबाइल अगर डेड हो जाता है, मोबाइल में बैटरी जो है वो कम हो जाती है, तो आप उसको मोबाइल को चार्जर से ज्वाइन करके इलेक्ट्रिसिटी से डीसी करंट देते हैं और उसको चार्जिंग करते हैं, यही है हमारा चार्जिंग। तो वो चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी था, तो उससे हम उसकी डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं, हम तो यहाँ पर एक सिंपल परिभाषा के आधार पर इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम आज अब पढ़ने वाले हैं
आवेशित करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो आइए देखते हैं आवेशित या आवेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ओके जी, तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग हम देखेंगे तो फर्स्ट प्रोसेस है घर्षण के द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या होता है चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन? देखिए, जब कोई दो अनावेशित वस्तुओं को, कितनी अनावेशित वस्तुओं को, दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उनके ऊपर विपरीत आवेश के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तात्पर्य मेरा यह है कि जब कोई दो वस्तुएं हैं उनको मैं बीच में रब करता हूं, घर्षण करता हूं, तो एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार के प्रोसेस को हम बोलते हैं घर्षण के द्वारा मैंने उन दोनों के बीच में आवेशित उत्पन्न कर दिया। हालांकि ये आवेश जो है वो विपरीत आवेश है। सपोज दैट कि मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि बिल्ली की खाल ले ली मैंने या रेशम का कपड़ा ले लिया, बिल्ली की खाल या रेशम का कपड़ा ले लिया, उसके साथ में यदि एबोनाइट की छड़ या फिर कांच की छड़ को ऐसे रब करता हूं, तो क्या होता है, बिल्ली की खाल या रेशम के कपड़े पे प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि एबोनाइट की छड़ या कांच की छड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो फिनोमिनॉन है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं भाई जी मैंने तो घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न कर लिया, क्योंकि जैसे ही मैं किसी चीज को रब करता हूं, आग सपोज दैट कि मैंने अपने हथेलियों को रब किया, तो रब करने के दौरान मेरी दोनों हथेलियों के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट हुआ है, एक घर्षण जनरेट हुआ है, घर्षण उत्पन्न हुआ है। तो आइए हमने समझा। अब क्या सर ये सभी वस्तुओं के बीच में ऐसा लगता है? नहीं, सभी वस्तुओं के बीच में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई तो न्यूट्रल ही होता है, बचपन से ही न्यूट्रल है। मतलब आप में ही देख सकते हैं कि आप में से काफी बच्चे होते हैं जिसको हम बोलते बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़, बेटा पढ़ना, वो एकदम चुप रहेगा। मतलब वो आवेशित हो ही नहीं सकता, उसने ठान लिया है कि मैं आवेशित नहीं होऊंगा, मैं जन्म से न्यूट्रल हूं, मैं जन्म से अनावेशित हूं, तो मुझे आवेशित नहीं कर सकते। तो उस प्रकार की वस्तुओं पर ये वाली जो प्रक्रिया है वो नहीं लगती है। तो आइए हमने क्या देखा, ये दो अनावेशित वस्तुओं के बीच में जब रगड़ते हैं तो घर्षण के दौरान जो उत्पन्न होने वाले विपरीत आवेश का जो उत्पन्न होना है यही प्रक्रिया है घर्षण के द्वारा आवेशन कहलाते हैं। When we rub two neutral bodies, then they create, they self-created opposite charge. Opposite charge को self create कर देते हैं, और इसी को हम किस नाम से जानेंगे, फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, अगर आपको समझ में आई है तो मेरी बात को लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ वाला, कांच की छड़ या एबोनाइट की छड़ वो किससे रगड़ेंगे अपन, रेशम के कपड़े या बिल्ली की खाल से। ओके, एक और छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो आपको पता हो तो घरों में आप करते होंगे, कंघी होती है, कंघी को बालों में ऐसे कंघी करते हो, उसके बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े को आप रख दोगे और कंघी को उसके पास में लेके जाओगे, तो आप देखेंगे वो कागज के टुकड़े जो हैं, जैसे ही कंघी उसके पास में जाती है तो वह आकर्षित या प्रतिकर्षित होने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, कहने का मतलब। तो यह भी इसी का उदाहरण है। ओके बेटा, नेक्स्ट सेकेंड पे आते हैं। तो दो अनावेशित वस्तुओं के बीच में विपरीत आवेश को जनरेट करने की जो प्रक्रिया है वो आकर्षण के द्वारा आवेशन है। दूसरी बात, दूसरी बात जो है वो है चालन के द्वारा आवेशन। क्या बोला मैंने, चालन के द्वारा आवेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। देखो पहला जो था फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन,
घर्षण आवेशन। ओके, क्या होता है कंडक्शन के द्वारा आवेशन? देखिए, एक डायग्रामेटिकली मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैंने एक अनावेशित वस्तु ले ली, अनावेशित वस्तु। देखो, वस्तु का तात्पर्य यहां पर ये, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वस्तु का तात्पर्य इतना ही है कि ऐसी वस्तु जिसको मैं आवेशित कर सकता हूं, मतलब अनावेशित वस्तु है उसको मैं आवेशित कर सकता हूं। तो यहां पर अनावेशित वस्तु ले ली मैंने कोई भी, सपोज दैट मैंने फेरस ही ले लिया क्योंकि उसको आवेशित करना है, और एक मैंने वस्तु ली है जो आवेशित है। अब आवेशित है तो कौन सी आवेशित है गुरुजी? तो मैं बोल देता हूं धनावेशित है, मतलब धनावेश है, मतलब उसके ऊपर जो है ना वो छह आवेश है, मतलब छह इलेक्ट्रॉन है, बोल देता हूं ये प्लस धनावेश है, इलेक्ट्रॉन नहीं है प्रोटॉन है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, छह है। अब मैं जैसे इसको पकड़ के इसके नजदीक लेके जाता हूं, नजदीक लेके जाने के दौरान ये दोनों जो वस्तुएं हैं वो चिपक जाती है, संपर्क में आ जाती है, और जैसे ही ये संपर्क में आती है तो इसके पास में जो छह प्रोटॉन थे वो छह प्रोटॉन इन दोनों में इनकी कैपेसिटी के अनुसार, इनकी क्षमता के अनुसार वितरित हो जाते हैं। मैंने समान आकार लिया, समान मटेरियल लिया, इसलिए जो वितरण होगा वो समान होगा, मतलब छह प्रोटॉन जो है तो तीन इसके पास में आ जाएंगे और तीन इसके पास आ जाएंगे। तो यहां पर फिर मैंने इसको अलग कर दिया, तो ये अलग कर दिया, यही अलग कर लेता हूं। तो देख सकते हैं आप, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो उनकी क्षमता के अनुसार आवेशों का वितरण हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? चालन के द्वारा आवेश। ठीक है, व्हेन न्यूट्रल बॉडीज इज टेकिंग टू कॉन्टेक्ट विथ अ चार्ज्ड बॉडी, देन चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटी, ऑल द प्रोसेस इज नॉन एज चार्जिंग बाई कंडक्शन। दो मिनट।